हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। सो आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 10 फॉर द जनरल अवेयरनेस। अगर आप चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं, टोटल 40 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे मॉक टेस्ट में। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्टेड द 10th नेशनल मैरिटाइम सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, जिसका नाम है सेरेक्स 2022। सो ये हेल्ड हुई था, ये हेल्ड हुआ था चेन्नई में। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज तमिलनाडु। एंड इस जो ये जो एक्सरसाइज थी यहाँ पे, बेसिकली कैसे जो इंडियन कोस्ट गार्ड है वो इमरजेंसी सिचुएशन में कैसे पीपल को रेस्क्यू करते हैं, वो यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड के चीफ कौन है, तो इनका नाम क्या है, वीएस पठानिया। आप बोल सकते हो वीरेंद्र, वीरेंद्र सिंह पठानिया। क्या नाम है इनका, वीरेंद्र सिंह पठानिया। और रिसेंटली कोची केरला में जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का एक शिप था, जिसका नाम क्या था, समर्थ। ठीक है, इसे इंडक्ट किया गया था। एंड यूएस जो यूएस के कोस्ट गार्ड है और इंडिया की जो कोस्ट गार्ड है, इन दोनों ने मिलके चेन्नई कोस्ट में जो है एक एक्सरसाइज जो है वो प्रैक्टिस की थी, उसका नाम क्या था, अभ्यास। क्या नाम था उसका, अभ्यास 01/22। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द ऑर्गेनाइजेशन दैट अनाउंस इट्स कोलैबोरेशन विद द गूगल टू इंट्रोड्यूस अल्ट्रा अफोर्डेबल 5G स्मार्टफोन इन इंडिया। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे जो है कोलैबोरेशन की है, आपका आंसर हो जाएगा रिलायंस जियो ने। एंड रिसेंटली जो केवी कमात है उन्हें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनाया गया था, किसका, रिलायंस, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का। ठीक है, केवी, उनका नाम क्या है, केवी कमात। एंड यहाँ पे सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, जो आकाश अंबानी है उन्हें फीचर किया गया था टाइम 100 नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर लिस्ट में। ठीक है, टाइम 100 नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर्स लिस्ट, किसने रिलीज की थी, टाइम मैगजीन ने इसको रिलीज किया था। ठीक है, एंड जो रिलायंस इंडस्ट्री है, इन्होंने जो है एक टारगेट सेटअप किया है किस चीज के लिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट जो है वो 2025 तक बनाने वाले हैं। कहाँ पे ये प्लांट जो है लगाया जाएगा, गुजरात में। ठीक है, कहाँ पे बनेगा ये, गुजरात में। ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन फाइबर प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट इंक्यूबेशन सेल साइन एन एमओयू विद दी डैमलर इंडिया कॉमर्शियल व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड टू सेटअप द टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर द फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, दैट इज ऑप्शन नंबर ई, आईआईटी मद्रास। एंड रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने जो है कोटेक महिंद्रा बैंक के साथ एक पार्टनरशिप की थी। ठीक है, कोटेक महिंद्रा बैंक के साथ। ठीक है, किस चीज के लिए, सेव एनर्जी मिशन के लिए, सेव एनर्जी मिशन। ठीक है, एंड इन मंथ ऑफ जुलाई जो अग्निकुल कॉस्मो है, ठीक है, उन्होंने इनॉग्रेट किया था रॉकेट फैक्ट्री वन। ठीक है, रॉकेट फैक्ट्री वन है क्या, दैट इज रॉकेट फैसिलिटी जो 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन जो है बनाती है। ठीक है, कहाँ पे इसे, इसका इनॉग्रेशन किया गया था, तो ये इनॉग्रेट किया गया था आईआईटी मद्रास में। एंड रिसेंटली न्यूज में था जो अग्निकुल कॉस्मो है, इन्होंने वर्ल्ड का पहला 3D प्रिंटेड सिंगल पीस रॉकेट इंजन जो है वो टेस्ट किया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, द वर्ल्ड लार्जेस्ट ड्रोन फंड जो जापान का आपका ड्रोन फंड है, टू इन्वेस्ट अप टू डैश इन इंडियाज अनमैन एरियल व्हीकल्स इकोसिस्टम। सो ये कौन सी, कितनी अमाउंट है, तो आंसर यहाँ पे है आपका $40 मिलियन। सो जो जापान का आपका ड्रोन फंड है, जिसके को फाउंडर कौन है, सोकी ओहिमे। ठीक है, क्या नाम है इनका, सोकी ओमे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे जो है बोला है कि ये इन्वेस्ट करने वाले हैं $40 मिलियन इंडिया में। ठीक है, एंड रिसेंटली अभी जो न्यूज में था, दैट इज जो इंडिया का पहला पेट्रोल ऑपरेटेड ड्रोन है, जिसका नाम क्या है, डीएच एग्रीगेटर। ठीक है, उसे जो है टाइप सर्टिफिकेट दे दिया है DCGCA ने। एंड ये किसने बनाया है, इस कंपनी का नाम है दक्ष, क्या नाम है, दक्षा अनमैंड। ठीक है, दक्षा अनमैंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, इन्होंने डीएच एग्रीगेटर को बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द 8th एडिशन ऑफ सारंग एंड इंडियन फेस्टिवल वॉज हेल्ड फ्रॉम 30th सितंबर टू 14th अक्टूबर। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है, ये आपका सेलिब्रेट किया गया था साउथ कोरिया में। एंड रिसेंटली जो वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स है, इसका जो वर्ल्ड कप हुआ था वो कहाँ पे हेल्ड हुआ था, वो भी आपका साउथ कोरिया में हुआ था। एंड साउथ कोरिया ने अपना पहला लूनर मिशन जो है वो लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था, धनुरी। ठीक है, क्या नाम था इसका, धनुरी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, द रीजनल रूरल बैंक्स वर फॉर्म इन इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ, सो कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पे रीजनल रूरल बैंक, दैट इज RRB जो है वो फॉर्म किए गए थे इंडिया में। सो आंसर आपका होगा नरसिम्हन कमेटी, एम नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। और रीजनल, इंडिया का सबसे पहला रीजनल रूरल बैंक कौन सा है, इसका नाम है प्रथमा बैंक। ठीक है, प्रथमा बैंक,
जो आपका सिचुएटेड कहाँ का है, ये कहाँ का बैंक है आपका? उत्तर प्रदेश का बैंक है। ये इंडिया में पहला ऐसा बैंक है जो आरआरबी, मतलब पहला ऐसा आरआरबी है जो सेटअप किया गया था इंडिया में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिड द टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट फॉर ग्लोबल चेंज एंड एनजीओ चिल्ड्रन बिलीव जॉइंटली लॉन्च अ जनरेशन ग्लोबल प्रोग्राम फॉर द स्कूल्स एंड कॉलेजेस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु में से लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी, ठीक है। एंड जो यहाँ के डायरेक्टर हैं टोनी ब्लेयर इंस्टीट्यूट के, इनका नाम क्या है? लूसी हैटर, ठीक है। एंड इसका हेडक्वार्टर आपका है लंदन में, लंदन यूके में इसका हेडक्वार्टर है। एंड इसके को फाउंडर, इसके फाउंडर कौन है? टोनी ब्लेयर, जो फॉर्मर पीएम रह चुके हैं ग्रेट ब्रिटेन के, ठीक है। आंसर क्या है? बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, व्हाट इज द टारगेट ईयर दैट वाज सेट बाय द इंडियन गवर्नमेंट टू इंक्रीज द शेयर ऑफ नेचुरल गैस इन द एनर्जी मिक्स टू 15% फ्रॉम द करंट 6.3%। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 2030। सो इनका टारगेट कब तक है? 2030 तक। एंड आपके मिनिस्टर कौन है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के? इनका नाम है हरदीप सिंह पुरी, हरदीप सिंह पुरी इनका नाम है। एंड 1 मई को जो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है इन्होंने सेलिब्रेट किया था उज्ज्वला दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस? उज्ज्वला दिवस, जो हमारी अचीवमेंट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। तो 1 मई को क्या सेलिब्रेट किया गया था? उज्ज्वला दिवस, ठीक है। और जो ये स्कीम है आपकी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ये कब लॉन्च की गई थी? 2016 में, ठीक है। और इसकी नॉर्मल मिनिस्ट्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजीज दैट इज आर कैट वॉज रिसेंटली इनॉग्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। सो राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी आपका लॉन्च किया गया है राजस्थान में। तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए। और इसे कब लॉन्च किया गया था? 20 अगस्त को, जो राजीव गांधी जी का जिस दिन बर्थ एनिवर्सरी होता है, ठीक है, 20 अगस्त को इसे लॉन्च किया गया था राजस्थान में, ठीक है। एंड रिसेंटली न्यूज में था राजस्थान है, इन्होंने महिला निधि लोन स्कीम जो है लॉन्च की है सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, विमेन्स के लिए, ठीक है। आप नाम से ही पता लगा सकते हो दैट इज महिला निधि। तो ये स्कीम किसके लिए है? विमेन्स के लिए, ठीक है, निधि। सो यहाँ पे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली इन अगस्त अप्रूव द कंटिन्यूएशन ऑफ विच स्कीम टिल 31 दिसंबर 2024। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड इस स्कीम को लॉन्च किया गया था 2015 में, 25 जून 2015 को। और इसकी नॉर्डल मिनिस्ट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। और इसका मेन एम क्या था? कि हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना अर्बन एरियाज में, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। एंड जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है उसका जो आपका टेन्योर है वो कब तक है? 31 मार्च 2024, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पीपल वॉन दी 2022 शेखरॉफ प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट। सो कौन सी कंट्री के लोगों को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। एंड यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उनको ये अवार्ड जो है वो दिया जाएगा, ठीक है, 14 दिसंबर को, ठीक है, 14 दिसंबर को। कहाँ पे? स्ट्रासबर्ग, स्ट्रासबर्ग फ्रांस में, ठीक है। एंड जो ये प्राइस है इसका, जो मनी है इसका, प्राइस मनी जो है वो कितना है? दैट इज 50,000 यूरो, ठीक है, 50,000 यूरो इसका प्राइस मनी है। एंड यहाँ पे जो है देखो, ये आपका जो इसकी सेरेमनी है वो कहाँ पे होगी? फ्रांस में, ठीक है, 14 दिसंबर को। ये याद रखना है आपको, क्योंकि ये आपको पूछा जा सकता है डेट इसकी, ठीक है, 14 दिसंबर की। डैश इमर्जेस एज अ सेकेंड बिगेस्ट एयरलाइन बाय डोमेस्टिक मार्केट शेयर इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट। सो कौन सी इनमें से एयरलाइन है जो सेकेंड बिगेस्ट एयरलाइन बनी है डोमेस्टिक मार्केट में अगस्त के महीने में, ठीक है? तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका नाम है विस्तारा, ठीक है। विस्तारा जो आपकी एयरलाइन है इसमें 51% आपका जो शेयर है वो टाटा सन्स का है, ठीक है, टाटा सन्स का आपका शेयर है 51%, वेरस सिंगापुर एयरलाइन का इसमें जो है आपका शेयर है 49% का, ठीक है, सिंगापुर एयरलाइंस। एंड अगर अभी हम एट प्रेजेंट बात करें तो टाटा, जो टाटा ग्रुप है इसके पास कितनी एयरलाइंस है एट प्रेजेंट? तो 4 हैं। कौन कौन सी? एक आपकी है विस्तारा, ठीक है, जो यहाँ पे आंसर है आपका विस्तारा, ठीक है। दूसरी है एयर एशिया इंडिया, ठीक है, एक आपकी है एयर इंडिया एक्सप्रेस, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपकी है एयर एशिया इंडिया, ठीक है, कौन सी है? एयर एशिया इंडिया,
ये चार एयरलाइंस एट प्रेजेंट इनके पास हैं, ठीक है। और विस्तारा के आपके सीईओ कौन है? इनका नाम है विनोद खनल, ठीक है। क्या नाम है? विनोद खनल। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट। सो कौन सी कंट्री ने इनॉग्रेट किया है वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर ट्रेन फ्लीट? आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा जर्मनी, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। और रिसेंटली इन मंथ ऑफ अगस्त जो हमारे साइंस मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो है हाइड्रोजन फ्यूल बस जो है वो लॉन्च की थी, कहाँ पे? पुणे महाराष्ट्र में, ठीक है। पुणे महाराष्ट्र में इसे लॉन्च किया गया था। एंड रिसेंटली जर्मनी जो है वो न्यूज में था, क्योंकि जर्मनी का जो फुटबॉल क्लब है उन्होंने अग्रीमेंट साइन किया था इंडियन फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ। इंडियन फुटबॉल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट लिमिटेड के साथ क्या अग्रीमेंट था? ताकि जो है अच्छी से अच्छी प्रैक्टिसेस जो है वो इंडिया को पूरे वर्ल्ड में मिलती रहे, इंडियन फुटबॉल को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हु इंट्रोड्यूस ओआरएस रिसेंटली इन अक्टूबर पास्ट अवे, ठीक है। इन्होंने ओआरएस को जो है इंट्रोड्यूस किया था, अभी इनकी डेथ हो गई है। ओआरएल स्टैंड्स फॉर, सो ओआरएल का मतलब क्या होता है? सो आंसर बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर ए, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। इसका क्या नाम है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। एंड जो हमारे डॉक्टर दिलीप महालनोबिस हैं, इनको जो है 2022 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से प्राइज मिला गया था, पॉलन प्राइज फॉर पेडियाट्रिक रिसर्च के लिए, ठीक है। एंड 2006 में इनको प्राइज दिया गया था, प्रिंस महिदोर प्राइज, ठीक है। और अगर हम बात करें वर्ल्ड ओआरएस डे की, अब ओआरएस की बात चली है तो वर्ल्ड ओआरएस डे की बात भी कर लेते हैं। वर्ल्ड ओआरएस डे जो है आपका 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस पे बेस्ड आपका क्वेश्चन बन सकता है। इसकी थीम क्या थी? जोड़ी नंबर वन, जोड़ी नंबर वन, ओआरएस एंड जिंक, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फर्स्ट खेलो इंडिया विमेन्स जूडो टूर्नामेंट हैज स्टार्टेड फ्रॉम डैश। जो इंडिया का फर्स्ट खेलो इंडिया विमेन जूडो टूर्नामेंट था वो स्टार्ट हुआ था कब से? सो आंसर आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 27 अगस्त 2022 से ये शुरू हो गया था, ठीक है। एंड ये कब तक चला था? 15 सितंबर तक, ठीक है। चार जोन में जो है यहाँ पे ये मैचेस हुए थे, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, साउथ जोन और नॉर्थ जोन, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ये चारों ही जोन में यहाँ पे जो है मैचेस हुए थे। और जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स है, इन्होंने यहाँ पे कितने जो है एलोकेशन दी थी यहाँ पे? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका 1.74 करोड़ की यहाँ पे एलोकेशन इन्होंने दी है, दी थी। एंड यहाँ पे प्राइज मनी कितना था टूर्नामेंट का? तो 48.85 लाख रुपीज, ठीक है, 48.85 लाख रुपीज जो है यहाँ पे प्राइज मनी था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट कोलैबोरेटेड विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू डेवलप डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस पोर्टल। सो कौन से स्टेट ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। एंड रिसेंटली न्यूज में था जो अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में फर्स्ट स्टील स्लैग रोड बना रहा है बीआरओ, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इसके लिए फर्स्ट कंसाइनमेंट नवंबर के मंथ में टाटा स्टील ने भेज दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमारे फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जिनका नाम है जनरल बिपिन रावत, इनके नाम पे एक आंध्र प्रदेश में, सॉरी अरुणाचल प्रदेश में मिलिट्री कैंप और एक रोड का नाम रखा गया है, ठीक है। उस जो आपका मिलिट्री कैंप है इसका नाम पहले क्या था? किबितु, ठीक है, मिलिट्री कैंप, और अब इसका नाम कर दिया गया है जनरल बिपिन रावत मिलिट्री मिलिट्री गैरिसन, ठीक है, मिलिट्री गैरिसन। एंड रोड का यहाँ पे नाम रखा गया है जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत मार्ग, ठीक है। और ये रोड कहाँ से कहाँ तक थी? वेलोंग से केबितु तक, ठीक है, ये 22 किलोमीटर रोड है। इनका नाम क्यों है चेंज किया गया है? एंड अगर हम सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें तो कौन बने हैं? इनका नाम क्या है? अनिल चौहान, ठीक है, अनिल चौहान इनका नाम है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु रोट द बुक टाइटल्ड फियरलेस गवर्नेंस, ठीक है। तो ये बुक किसने लिखी है? तो आंसर बहुत सिंपल है, किरण बेदी। किरण बेदी जो है वो फियरलेस थी, तो इससे आप याद रख सकते हो फियरलेस गवर्नेंस बुक किसने लिखी है? किरण बेदी ने। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च क्विट टोबैको ऐप टू हेल्प पीपल एंड टोबैको कंजप्शन? सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो आपकी साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, उन्होंने यहाँ पे जो है इस ऐप को जो है लॉन्च किया था। एंड इसके रीजनल डायरेक्टर कौन है? पूनम खेत्रपाल सिंह। इनका नाम क्या है? पूनम पूनम खेत्रपाल खेत्रपाल सिंह, ठीक है, इनका ये नाम है। और इन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया था, दैट इज कि जो इंडिया के लिए, ये इंडिया में जो है सर्वाइकल कैंसर के लिए जो वैक्सीन है वो जल्दी ही आने वाली है, ठीक है। इसका नाम क्या है? एचपीवी, ठीक है, एचपीवी, दैट इज ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक है, ह्यूमन
पैपिलोमा वायरस। ये जो आपकी वैक्सीन है ये जल्दी ही आने वाली है इंडिया के लिए, एंड ये किसे क्योर करेगी? सर्वाइकल कैंसर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेम द पर्सनालिटी हु वर री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस ड्यूरिंग द फिफ्थ असेंबली ऑफ ISA न्यू दिल्ली दिल्ली। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो इलेक्ट हुए हैं राजकुमार सिंह, जो इंडिया से हैं, वेयर इज वाइस प्रेसिडेंट जो सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम क्या है, क्रिसोल, इनका नाम क्या है, क्रिसोला जाक्रोपोला। ठीक है, दैट इज ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, राजकुमार सिंह प्रेसिडेंट बने हैं एंड क्रिसोला जैक्रोपोला जो है वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं, और इसका जो हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। किसका? ISA का। ठीक है, गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, एंड इन्होंने रिसेंटली जो है सोलर फैसिलिटी अप्रूव की है। ठीक है, जिसमें दो आपके दो टाइप के फाइनेंशियल कंपोनेंट है, कौन कौन से, सोलर पेमेंट गारंटीड फंड एंड दूसरा है सोलर इंश्योरेंस फंड। ठीक है, और डायरेक्टर जनरल कौन है ISA के, इनका नाम है अजय अजय माथुर। क्या नाम है इनका? अजय माथुर। ठीक है, एंड रिसेंटली जो है क्यूबा ने साइन किया था टेंडर ISA के साथ सेटअप करने के लिए 1150 मेगावाट प्रोजेक्ट, सोलर प्रोजेक्ट। किसने साइन किया था ये अग्रीमेंट? ये साइन किया था क्यूबा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI अप्रूव द मर्जर ऑफ श्री श्रद्धा सहकारी बैंक विद विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑपरेटिव बैंक। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे है, कौन से कोऑपरेटिव बैंक के साथ मर्जर फाइनल किया गया है, अप्रूव किया गया है RBI की तरफ से? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक। एंड रिसेंटली RBI ने जो है डिक्लाइन की थी GDP फाइनेंशियल ईयर इंडिया की, फाइनेंशियल ईयर 2023 की GDP। ठीक है, पहले ये 7.2% थी, अब इसको डिक्रीज करके कितना किया RBI ने, 7%। ठीक है, 7% इसको डिक्रीज करके कर दिया गया है। एंड रिसेंटली ये भी न्यूज में था, जो RBI है, RBI ने केरला स्टेट कोऑपरेटिव बैंक पे जो है पेनल्टी लगाई थी। ठीक है, कितनी पेनल्टी लगाई थी, 48 लाख की। ठीक है, 48 लाख की पेनल्टी लगाई थी। क्यों लगाई थी? क्योंकि इन्होंने जो है डायरेक्शन जो RBI ने दिए थे किस चीज के लिए, गोल्ड लोन एंड बुलेट रीपेमेंट के लिए, उनके लिए इन्होंने वो रूल्स जो है अच्छे से फॉलो नहीं किए, इसलिए यहाँ पे जो है पेनल्टी लगाई गई थी 48 लाख की। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द स्टेट दैट लॉन्च द नारी को नमन स्कीम टू प्रोवाइड 50% कंसेशन ऑन बस फेयर्स फॉर वुमेन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश के जो CM है जयराम ठाकुर, इन्होंने ये स्कीम को लॉन्च किया था, जिसमें जो आपकी गवर्नमेंट बसेस होंगी, ठीक है, HRTC की बसेस जो होंगी, वहां पे जो है 50% कंसेशन वुमेन्स को दिया जाएगा, ठीक है, टिकट्स में। एंड रिसेंटली आपको पता है PM मोदी का विजिट था हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना थर्ड, ठीक है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का जो थर्ड फेज है उसे यहाँ पे लॉन्च किया था। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए 3125 किलोमीटर ऑफ रोड को। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे एम्स जो बिलासपुर में है उसको भी यहाँ पे इनॉग्रेट किया था। ठीक है, और साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी थी बल्क ड्रग पार्क के लिए। ठीक है, इंडिया का जो फर्स्ट बल्क ड्रग पार्क होगा, ठीक है, उसका यहाँ पे उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था। ठीक है, जिसका बजट कितना है, 1900 करोड़ का यहाँ पे बजट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द US इंटरनेशनल DFC CEO स्कॉट नथन विजिट टू इंडिया इन अक्टूबर। ठीक है, US इंटरनेशनल DFC CEO जो है, जिनका नाम क्या है, स्कॉट नथन, इन्होंने इनका जो विजिट था इंडिया में उससे रिलेटेड यहाँ पे कौन से पॉइंट करेक्ट है? तो आपका पहला ऑप्शन है, यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन अनाउंस $35 मिलियन US लोन टू क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, ठीक है, टू हेल्प 5 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर। ठीक है, 5 लाख वुमेन एंटरप्रेन्योर को हेल्प करने के लिए इन्होंने यहाँ पे जो है लोन फाइनल किया है। नेक्स्ट इज US इंटरनेशनल DFC साइन एन अग्रीमेंट फॉर द $10 मिलियन guarantees of a rupee loan to Punjab Renewable Energy System Private Limited. ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया हैज ऑल्सो कमिटेड $30 मिलियन फॉर अ एग्री फंड एंड ऑल्सो गिवन $10 मिलियन सपोर्ट टू मिल्क कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट इज ऑल ए बी एंड सी। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर ई, ऑल ए बी एंड सी आर करेक्ट। ठीक है, जो आपका इंटरनेशनल यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, इसका हेडक्वार्टर है Washington DC में। ठीक है, Washington DC में, एंड इसकी एस्टेब्लिशमेंट की गई थी 2019 में। ठीक है,
नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द सिटी इन विच टी हब 2.0 द वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस वाज इनॉग्रेटेड इन मंथ ऑफ जून। सो कौन से आपके शहर में इसे जो है लॉन्च किया गया था, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, दैट इज इसे जो है लॉन्च किया गया था हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, इसे कहाँ जो है लॉन्च किया गया था, हैदराबाद तेलंगाना में। आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। एंड इंडिया का फर्स्ट, ठीक है, इंडिया की फर्स्ट ऐसी स्कीम जिसका नाम क्या था, नेथानुकू बीमा स्कीम, जो एक इंश्योरेंस कवर है किसके लिए, हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स के लिए। ठीक है, किसके लिए, हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स के लिए फर्स्ट, ये क्या है, एक इंश्योरेंस कवर, इंश्योरेंस कवर। ये किसने लॉन्च किया था, ये लॉन्च किया था आपका हैदराबाद, दैट इज तेलंगाना ने। ठीक है, क्या नाम था स्कीम का, नेथन्ना को बीमा, क्या नाम था इसका, नेथन्ना को बीमा। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पोर्टल दैट वाज लॉन्च बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई टू अलाइन ऑल बोर्ड एग्जाम एक्टिविटीज। सो कौन सा पोर्टल इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया था, इसका नाम था परीक्षा संगम, क्या नाम था इसका, परीक्षा संगम। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इस पोर्टल में जितनी भी जो भी डिफरेंट एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी प्रोसेस होते हैं ये सारे ही यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मॉनेटरी पॉलिसीज कमिटी हैज डैश मेंबर्स हु डिसाइडेड द पॉलिसी रेट्स। ठीक है, सो जो आपका एमपीसी होता है, मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, इसका मेन काम क्या है, ये डिसाइड करते हैं पॉलिसी रेट्स को। और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें मेंबर्स होते हैं आपके 6। ठीक है, तीन इसमें जो है आरबीआई के मेंबर होते हैं, बाकी तीन इसमें जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच बैंक रिसेंटली नवंबर पार्टनर्ड विद द रिटेल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म आरजू टू ऑफर परचेजेस कार्ड्स विद क्रेडिट लिमिट और अप टू 1 करोड़। ठीक है, सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन से बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है आरजू प्लेटफॉर्म आरजू के साथ, तो आंसर यहाँ पे आपका है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे पार्टनरशिप की है। ठीक है, एंड रिसेंटली हमने पढ़ा था एचडीएफसी बैंक ने ऑल वुमेन ब्रांच अपनी ओपन की है केरला में, कोझीकोड केरला में। ठीक है, एंड एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, एचडीएफसी और बैंक ऑफ बड़ौदा जो है, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने एमओयू साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, किस स्कीम के लिए, अंडर द रक्षा स्पर्श स्कीम। ठीक है, अंडर दी रक्षा स्पर्श स्कीम के लिए इन्होंने इन दोनों बैंक ने जो है एमओयू साइन किया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट साइन एन एमओयू विद एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड टू सेटअप इंडिया फर्स्ट कमर्शियल स्केल ग्रीन एमोनिया एंड ग्रीन मेथनॉल प्रोजेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, कौन सी कंपनी के साथ यहाँ पे एमओयू साइन किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, गुजरात एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वडोदरा में। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कमांड वाज साइन एन एमओयू विद द एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया टू बूस्ट इंटर आइलैंड कनेक्टिविटी अंडर उड़ान स्कीम। ठीक है, उड़ान स्कीम क्या है आपका, इसका फुल फॉर्म होता है उड़े देश का आम नागरिक, एंड इसे लॉन्च किया गया था 2017 में। ठीक है, और इसकी फर्स्ट फ्लाइट जो थी 2017 में किसने ली थी, मोदी जी ने ली थी। ठीक है, जो शिमला से दिल्ली की आपकी फ्लाइट थी। ठीक है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सी कमांड ने यहाँ पे एमओयू साइन किया है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान एंड निकोबार कमांड के साथ। ठीक है, और उड़ान स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु टॉप द एडलगिव हुनर इंडिया पैलेंथ्रोपी लिस्ट 2022 रिलीज्ड इन मंथ ऑफ अक्टूबर एंड रिक्लेम्ड द इंडियाज मोस्ट जेनरस टाइटल विद एन एनुअल डोनेशन ऑफ रुपीज 1161 करोड़। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इनका नाम है शिव नाडर, और इन इस लिस्ट में इनका नाम जो है वो टॉप पे था। ठीक है, वेरस अगर हम बात करें गौतम अदानी जी की, तो गौतम अदानी जो है यहाँ पे 7th नंबर पे आते हैं। ठीक है, आपका क्वेश्चन है, नेम द बैंक और नेम द कंपनी और अ बैंक दैट वाज पार्टनर्ड विद द एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसके प्रेसिडेंट आपके कौन है, एडिले, क्या नाम है इनका, एडिले जे सुमारी वाला। ठीक है, टू सपोर्ट यंग वुमेन एथलीट्स इन इंडिया, इनमें से कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है या बैंक है जिसने यहाँ पे जो है एमओयू और पार्टनरशिप यहाँ पे जो की है एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एचएसबीसी इंडिया। इनका नाम क्या है, इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, एचएसबीसी इंडिया। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेशनल टीचर्स डे 2022। पहला आपको ऑप्शन है, द 60th नेशनल टीचर्स डे 2022 ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द इंडिया ऑन 5th सितंबर 2022 टू कॉमरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हु सर्व्ड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन
इंडिपेंडेंट इंडिया. नेक्स्ट इज ऑन द ओकेजन द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेसिलिटेटेड द अवार्ड विद द नेशनल अवार्ड टू द टीचर्स दैट इज एनएटी 2022 टू 45 टीचर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया. थर्ड इज द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन प्रमोट्स द सेलिब्रेशन ऑफ शिक्षा पर्व 2022 फ्रॉम 5th टू 9th सितंबर 2022. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर ई. ऑल 1, 2 एंड 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन और बन सकता है, जो आपका शिक्षा पर्व है वो कब से कब तक सेलिब्रेट किया गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5th टू 9th ऑफ सितंबर तक. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट द टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम इन डैश इज एक्सपेक्टेड टू बी ओपन इन 2024. तो ये आपका जो टेम्पल है वैदिक प्लानिटेरियम में, ये कहाँ पे आपका जो है बनेगा, तो ये बनेगा आपका वेस्ट बंगाल में. ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. एंड रिसेंटली यहाँ पे देखो जो न्यूज में था, दैट इज जो बेस्ट जू ऑफ इंडिया है उसे रिकॉग्नाइज किया गया कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में. और इस आपके इस जियोलॉजिकल पार्क का नाम क्या है या इस जू का नाम क्या है, तो आंसर आपका हो जाएगा पद्ममजा नायडू हिमालयन जू पार्क दार्जिलिंग. कहाँ पे ये सिचुएटेड है, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में. ठीक है, एंड रिसेंटली जो है वेस्ट बंगाल ने लॉन्च किया था प्राय शिक्षालय. ठीक है, इसका नाम क्या था, शिक्षालय. ठीक है, जिसका मतलब क्या आता है, ओपन एयर क्लासरूम फर्स्ट से लेकर सेवेंथ क्लास तक. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द म्यूचुअल फंड कंपनी दैट लॉन्च अ न्यू इन्वेस्टर एजुकेशन एंड अवेयरनेस वेबसाइट कॉल्ड मनी एंड मी. सो कौन से म्यूचुअल फंड ने इसे लॉन्च किया है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने, तो आपका आंसर है PGIM. ठीक है, क्या आंसर है, PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड. ठीक है, और इसका इसने रिसेंटली जो है एक कैंपेन भी लॉन्च किया था जिसका नाम क्या था, आपका हैप्पीनेस प्लान. ठीक है, प्रमोट करने के लिए मनी एंड मी इनिशिएटिव को. नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रधानमंत्री जन योजना वॉज कंप्लीटेड डैश ऑन 28 अगस्त 2022. सो 28 अगस्त 2022 को जो है प्रधानमंत्री योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है इसने कंप्लीट कर लिए थे 8 ईयर्स. तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. एंड इसे लॉन्च किया गया था 2014 में. कब लॉन्च किया गया था इसे, 2014 में. एंड इसका मेन एम क्या था कि ऐसे लोग जिनके पास जो है सेविंग अकाउंट नहीं है, एटलीस्ट उनके पास एक सेविंग अकाउंट हो, ताकि मेनली इसको किस लिए लॉन्च किया गया था, गरीब लोगों के लिए, ताकि उनके पास जो है एक सेविंग अकाउंट हो और गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स जो है प्रोवाइड करती है या उनको जो भी स्कीम के रूप में पैसे जो आते हैं वो डायरेक्टली उनके अकाउंट में जो है ट्रांसफर किए जा सकें. ठीक है, और इसकी जो मैक्सिमम एज है वो इंक्रीज की गई थी, पहले ये 60 थी, इसे इंक्रीज करके 65 ईयर कर दिया गया था. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आरबीआई ने लॉन्च किया है 58 राउंड ऑफ ओबिकस ऑफ अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर फॉर अप्रैल टू जून 2022. व्हाट डज एस स्टैंड्स फॉर इन ओबिकस. सो ओबिकस में एस का मतलब आपका होता है सर्वे. ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी. और इसका फुल फॉर्म होता है ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे. ठीक है, ऑर्डर बुक्स इन्वेंट्रीज एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे. ठीक है, ओबिकस का मतलब ये होता है. और इसका मेन एम क्या होता है, इसे जो सेंट्रल बैंक होता है वो कंडक्ट करवाती है. ठीक है, और ये बेसिकली क्या है, एक वैल्यूएबल इनपुट प्रोवाइड करता है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है नेम द ऑपरेशन दैट वाज लॉन्च बाय द इंडियन रेलवेज एंड रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स टू इंप्रूव द सिक्योरिटी पैसेंजर्स सिक्योरिटी ऑफ पैसेंजर्स. तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, इसका नाम है ऑपरेशन यात्री सुरक्षा. क्या नाम है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा. और इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवेज के. सो आंसर आपका हो जाएगा अश्विनी वैष्णव. ठीक है, एंड रिसेंटली जो है बीएसएफ ने यहाँ पे एक एमओयू साइन किया गया था जिसका नाम क्या था, एयर ई टिकेट्स. ठीक है, एयर अंडर दी एयर ई टिकेट सर्विस, जिसमें बेसिकली जो सेफ्टी होती है बुकिंग डेटा की वो जो है इंश्योर की जा सके. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द मिलेट कॉन्क्लेव 2022. सो पहला आपका ऑप्शन है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन हैज अटेंडेड द 2-डे मिलेट कॉन्क्लेव 2022 ऑन द थीम ऑफ मेकिंग मेनी मिलेट मैग्नेट्स मेकिंग मेनी मिलेट्स एंटरप्रेन्योर्स. नेक्स्ट इज The Millet Conclave 2022 was jointly organized by the National Bank for Agriculture and Rural Development, that is NABARD, and the University of Agriculture Science of UAS, Rachihur, Karnataka. Next is, the Finance Minister made announcement about the Millet Challenges with a Rs. 5 crore prize each for 3 startups and funding Rs. 15 crore by the NABARD to UAS Rachihur. आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2. दैट इज 1 और 2 स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट में यहाँ पे करेक्शन है. तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. अब यहाँ पे करेक्शन क्या है थर्ड स्टेटमेंट में, दैट इज यहाँ पे जो आपका प्राइज है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है वो 1 करोड़ का प्राइज दिया जाएगा तीनों स्टार्टअप को, वेयर इज यहाँ पे जो नबार्ड है वो यहाँ पे फंडिंग करेगा 25 करोड़ की. ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2.
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट प्रोड्यूस फर्स्ट एवर इंडिजिनियसली 30 mm गन एम्युनिशन यूज इन AK-630 गन दैट वॉज रिसीव बाय द इंडियन नेवी. सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, दैट इज करेक्ट आंसर है कौन सी कंपनी ने इसे जो है यहाँ पे एम्युनिशन जो है प्रोवाइड किए हैं. तो आंसर यहाँ पे है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड. ठीक है, इनका नाम, इसका नाम क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड. ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर महाराष्ट्र. नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी पार्टनर्ड विद द नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI एंड जापान JCB इंटरनेशनल कंपनी लिमिटेड टू लॉन्च द रूपे क्रेडिट कार्ड. ठीक है, कौन से यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ने जो है यहाँ पे साइन किया था MOU, तो पार्टनरशिप की थी. तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्नैपडील एंड BOB. ठीक है, BOB फाइनेंशियल सॉल्यूशन लिमिटेड एंड स्नैपडील ने यहाँ पे जो है पार्टनरशिप की थी. तो आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी. और इस रुपए क्रेडिट कार्ड का नाम क्या था, स्नैपडील. ठीक है, स्नैपडील, BOB, JCB, रुपे क्रेडिट कार्ड. ठीक है, ये इसका नाम था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट सिस्टम केम इनटू फोर्स इन इंडिया फ्रॉम डैश. सो कब ये जो है इसे लॉन्च किया गया था, ये एग्जिस्टेंस में कब आया था. तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल 2016, दैट इज 2016 में, 1 अप्रैल 2016 को ये एग्जिस्टेंस में आया था. अब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट आपका होता क्या है, MCLR क्या होता है, ये मिनिमम इंटरेस्ट रेट होता है जिसके नीचे, ठीक है, जिसके बिलो जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं हमारे बैंक वगैरह होते हैं वो लेंड नहीं कर सकते, बट कुछ आपके एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जिसमें ये लेंड कर सकते हैं. ठीक है, सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो. अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हो. सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ. टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.